मैंने, अब देखना बिलर भाई, तुम देखो ना जमीन आसमान का अंतर भाई, तुम खुद देखो भाई कितनी तगड़ी क्लियरिटी आ गई है भाई, तुम खुद देखो भाई पहले कैसी थी, ब्लर ब्लर हो रही थी, अब देखो भाई एकदम क्लियरिटी भाई वीडियो में। अब इधर देखो भाई ये चीज, हर चीज आप लोगों को क्लियरिटी के साथ भाई, जमीन आसमान का अंतर आ गया। गाइज मैं अगर आप लोगों को बोलूँ, आप लोग कुछ एडिटिंग में ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से गाइज आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी घट जाती है एक्सपोर्ट होने के बाद, और मेरे को बहुत से बंदे कमेंट कर रहे थे कि अड्डा भाई हमारी वीडियो की क्वालिटी घट जाती है जैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको यूट्यूब में अपलोड करते हैं, वीडियो की क्वालिटी ऐसी आती है कि बस क्या ही बताएं, हम भी हमको खुद अच्छी नहीं लगती तो भाई हमारे सब्सक्राइबर को क्या ही अच्छी लगेगी। तो आज की इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत सारे बंदे मेरे शॉर्ट्स देख करके बोल रहे थे कि आप ऐसी क्वालिटी कैसे कर लेते हो अपने शॉर्ट्स की, इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे कर ला पाते हो, तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल लाओ। तो फाइनली गाइज वो वीडियो आ गई है, ये वीडियो पूरा देख लेना, हर एक बंदा देख लेना चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो यूट्यूबर ना हो। क्योंकि यूट्यूबर ना हो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर तुम ये वीडियो देख लोगे तो क्या होता हो सकता है कि तुम फ्यूचर में कोई वीडियो बनाओ या फिर यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करो तो आप लोगों की ये वीडियो काम आ सकती है। देखो स्किल सीखने बुरी बात नहीं, अगर आप लोग कोई भी स्किल सीख लेते हो चाहे वो एडिटिंग की स्किल हो या किसी भी चीज़ की स्किल हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे आगे फ्यूचर में काम ही आने वाली है। तो वीडियो को देख लेना हर एक बंदा पूरी एंड तक, आप लोगों को मैं एकदम खतरनाक क्वालिटी आप लोग कैसे कर सकते हो अपनी वीडियो की वो पूरा बताऊंगा। एंड बहुत से बंदों की गाइस वीडियो इसी वजह से डाउन हो रही है, चैनल उनका इसी वजह से डाउन हो रहा है कि भाई उनकी क्वालिटी की उनकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है अदर यूट्यूबर जो है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है तो उनकी वीडियो को ज़्यादा पुश दे रहा है यूट्यूब एंड एल्गोरिथम उसकी वीडियो को ज़्यादा पुश दे रहा है एंड व्यूवर्स को भी मज़ा आ रहा है देखने में। तो भाई सब कुछ बता दूंगा कैसे आप लोग कर सकते हो क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल कैसे पहुंचा सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। वेक अप टू रियलिटी। तो देखो गाइस ये वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा होता है, सेकंड में बताऊंगा आप लोग वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कलर जैसे कलर ग्रेडिंग होती है ना उसको कैसे कर सकते हो, फिर आप लोगों को बताऊंगा एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आप लोग कैसे कर सकते हो। लिटरली गाइस अगर तुम लोग थर्ड नंबर की सेटिंग को यूज़ करते हो ना तो भाई तुम्हारी क्वालिटी ना सीधा जैसे क्वालिटी तुम्हारी 1x है तो सीधा 2x हो जाएगी भाई, दुगनी क्वालिटी होने वाली है तुम्हारी वीडियो की। एंड एकदम जो ब्लर होता है ना, ब्लर ब्लर सी वीडियो आती है तुम्हारी, वो सारा ब्लर हट जाएगा एंड एकदम मतलब शार्पन एकदम खतरनाक वीडियो आने वाली है, एकदम लगेगी भाई क्या ही वीडियो कर दिया, एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आने वाली है। तो भाई वीडियो थर्ड स्टेप तक जरूर देखना। तो देखो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई जितने बंदे आ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारा भाई इसी तरह की वीडियो डालता रहता है, आगे फ्यूचर में भी डालेगा एंड बहुत सी वीडियोस मैंने पहले भी डाल रखे तो वो जाके देखो गाइस एंड उनमें ही मैंने अच्छी खासी नॉलेज दी आप लोगों को कैसे आप लोग वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैंने बताया है पुरानी वीडियोज़ में ही, बट मैं फिर से सारी सबको मिलाकर एक ही वीडियो में बता रहा हूँ तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। देखो गाइस सबसे पहले तो बता दूँ आप लोगों को बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज है, जैसे कि पहला होता है कि भाई अपना मोबाइल का इनबिल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि इनबिल्ड होता है मोबाइल में पहले से ही आता है वो यूज़ करे या फिर कोई एक्सटर्नल यूज़ करे, जैसे कि हम लोग प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेते हैं लाइक ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर और भी बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर हैं तो वो हम यूज़ करें या फिर नहीं करें। देखो भाई सबसे पहले तो बता दूँ आप लोगों को ये खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारे मोबाइल के लिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर ज़्यादा अच्छा है, कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ला रहा है। अब आप लोगों को टेस्ट कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आप लोगों को उसकी सेटिंग्स बता देता हूँ आप लोगों को क्या रखना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मैं इस टाइम पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने इनबिल्ट मोबाइल के रिकॉर्डर से तो आप लोगों को यहाँ पर सारे बटन ऑफ दिख रहे होंगे बट आप लोगों के ऑन होंगे। मेरा यहाँ पर IQ का मोबाइल है इसलिए भाई मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये आप लोगों को खुद से टेस्ट करना होगा। देखो फिर भी मैं आप लोगों को मेजर सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी इमेज क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी नाम से कुछ हो सकता है या फिर बिटरेट हो सकता है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा अपनी वीडियो का बिटरेट बढ़ाओगे, रिकॉर्डिंग का बिटरेट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों की वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात तो आप लोगों को भी पता होगा। एंड देखो बहुत सारे बंदे मेरे को पूछ रहे थे कि भाई हम लोग 1080p पे रिकॉर्ड करें या फिर 4K में रिकॉर्ड करें जो कि होती है 2140 वगैरह पी होती है शायद, ये मेरे को पूरा अच्छे से पता नहीं है बट आप लोगों को देखो आप लोगों के मोबाइल के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का मोबाइल अच्छा है तो मैं ऑलवेज बोलूंगा भाई 2000 से ऊपर वाले पिक्सल्स होते हैं उन पर आप लोग रिकॉर्ड करो। एंड अगर आप लोगों का मोबाइल लो एंड है, आप लोगों का मोबाइल लैग करता है तो आप लोग हमेशा 1080p पर रिकॉर्ड करो या फिर उससे लो जो होता है 720p पे भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो तो भाई उस पर कर सकते हो। एंड बिटरेट भी आप लोगों के मोबाइल के हिसाब से वेरी करता है, आप लोगों का मोबाइल कम लैग करता है आप लोग इजीली खेल सकते हो हाई बिट रेट में तो आप लोग हाई रखो, एंड आप लोगों का मोबाइल लैग करता है तो आप लोग लो कर लो, बिट रेट कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ी सी क्वालिटी वैसे कम हो जाएगी बट बिट रेट देखो मेरे हिसाब से हाई रखना मैं तो यही बोलूंगा, बट आप लोग 720p से आप लोग 1080p से 720p पर रिकॉर्ड कर सकते हो बट बिट रेट हाई रखना क्योंकि 720p पे भी अच्छी क्वालिटी आ सकती है अगर आप लोग ये फॉलो करोगे जो आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने भाई आप लोगों को बता दिया वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोगों को कौन सा यूज़ करना है। देखो भाई इसके अलावा मैं
तुम लोगों को एक और स्क्रीन रिकॉर्डर बता देता हूँ, जो कि है गाइस अपना ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं इसके इमेज जो है इन्फो में चला जाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर गाइस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसकी मैं सेटिंग आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ गाइस आपको इसको ओपन करना है, फिर गाइस यहाँ पर आपको जाना है रिकॉर्ड वाले सेक्शन में, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में जाना है। एंड यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो, मैं भी इसको पर्सनली कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। एंड गेम में जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छी खासी क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पर मिलेगा आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लैंडस्केप आप लोगों कर देना, यहाँ पर ऊपर मिलेगा, यहाँ पर कर देना आपको स्टैंडर्ड, इस पर नहीं करना आप लोगों को, इसमें करना है स्टैंडर्ड फुल रिकॉर्डर, ये वाला भाई तुमको सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस देखो, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी वीडियो सेटिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को जाना है कस्टम में, ठीक है, कस्टम में आप लोग जाना है। यहाँ पर आप लोग 1080p कर सकते हो, या फिर 144p भी कर सकते हो, या फिर 4K भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, अगर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा मोबाइल कितना ज़्यादा तगड़ा है। अगर लो एंड डिवाइस है तो आप लोग इस पर रखो, बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइस है एंड थोड़ा सा अच्छा डिवाइस है, आप लोग खेल पाते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, तो 1080p पर रखो। और अच्छा डिवाइस है तो इस पर रखो, फिर 4K पर रखो, भाई ये तुम्हारे ऊपर रहता है। मैं तो भाई बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा आप लोग नॉर्मली 1440p पर रखना, बस सिंपल सी बात तो ये है। 1080 पे भी आप लोग रख सकते हो। फिर गाइस यहाँ पर आता है FPS, ये सबसे ज़्यादा मेन सेटिंग है। अगर आप लोग इसको कम कर देते हो ना, आपकी वीडियो लैगी लगी सी लगेगी, एकदम लैग सी होगी वीडियो, एकदम लैग होगी, एकदम झंझनाट सी होगी वीडियो, एकदम मज़ा नहीं आएगा देखने में। 60 FPS पे आप लोगों को इसको हमेशा रखना है, ना 45 पे, ना यहाँ पर 30 पे रखना है, ऑलवेज आप लोगों को ये 60 FPS लगा कर रखना है। फिर नीचे आता है गाइस बिटरेट, जो कि मैं पहले बात कर रहा था इनबिल्ट मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पे। यहाँ पर गाइस आप लोगों को हमेशा 12 रखना है, एडवांस में आप लोग नहीं जाना, मैंने ये चीज़ कुछ पर्सनली यूज़ करके देखिए। जैसे आप लोग एडवांस में जाओगे, यहाँ से आप लोगों को एडवांस ऑफ कर देना है, यहाँ पर 12 ही आप लोगों को रखना है। अगर आप लोग सोचो कि 50 बिटरेट रखूंगा तो और तगड़ी क्वालिटी आ जाएगी, नहीं भाई, इन्होंने खुद से लिखा है। देखो यहाँ पर आप लोग रेड रेड कलर में जो लिख रहा है ना, खुद पढ़ सकते हो इसको, इन्होंने खुद से लिखा है कि भाई आप लोग अगर बिटरेट इंक्रीज करोगे, हो सकता है आपकी वीडियो के पिक्सल फट जाए, या फिर आप लोगों की वीडियो क्वालिटी और डाउन हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डर की सारी सेटिंग बता दी। अभी गाइस जो आता है मेन स्टेप, जो कि आता है एडिटिंग। अब आप लोगों को एडिट कैसे कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पूरा बताता हूं। सबसे मेन चीज गाइस, आप लोग कौन सा एडिटर यूज करोगे। मेरी पर्सनल मानो तो भाई कैपकट यूज करना, और इसमें आप लोग लॉन्ग वीडियो भी एडिट कर सकते हो, कैपकट एप्लीकेशन ये रहा। अगर ये आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर ये कैपकट का मोड APK मैंने अपलोड कर रखा है, तो भाई वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इजीली। एंड गाइस देखो, आप लोग यूज़ करते हो इसके अलावा VN एप्लीकेशन में क्या फ़ायदा, VN एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शन है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन मतलब आप लोग यहाँ से अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर एडिटिंग भी अच्छी कर सकते हो। एंड इसमें क्वालिटी भी अच्छी खासी आती है, मैं कुछ रिसेंट टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड इससे भाई क्वालिटी नेक्स्ट लेवल आ रही है। अब इसमें आप लोगों को एडिटिंग कैसे करना है, मैं आप लोगों को, एंड गाइस अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को एडिटिंग में करना क्या है। सबसे पहले गाइस, आप लोगों को जो भी एडिटर आप लोग यूज़ करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, सभी में सेम होता है ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पर VN ऐप ओपन कर लेता हूँ, VN ऐप में मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, सॉरी एक वीडियो एक्सपोर्ट मेरी हो रही थी, एंड मैं यही वीडियो आप लोगों को एडिट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मेन चीज़, मैंने इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर रखा है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पूरी एडिटिंग वगैरह इसको हटा देता हूँ। अब गाइस आप लोगों को करना क्या है, मेन आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोग की वीडियो टाइमलाइन इस तरीके से आ जाएगी, आप लोगों को अपनी वीडियो कट वगैरह कर लेनी है, ये तो तुमको आता ही होगा भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग अपनी वीडियो के मेन पार्ट्स कट कर लेना, जो भी आप लोगों का, अगर आप लोग एडिटिंग कर लिया आप लोगों ने तो वो भी ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना उसको, मतलब इंपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन फिल्टर वाला मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड वाला ऑप्शन, एडजस्ट वाला ऊपर की साइड में, फिर आपको थोड़ा थोड़ा इधर की साइड में राइट को स्वाइप करना है इसको। उसके बाद तुमको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सैचुरेशन का, आप लोगों यहाँ पर आना है सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे। सैचुरेशन वाले ऑप्शन में आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ानी है। यहाँ पर सैचुरेशन आप लोग क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपने अपने हिसाब से करना है, मैं आपको नहीं बोलता आप लोग इतना करो इतना करो, बट देखो मेरे हिसाब से, देखो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो थोड़ी सी येल्लो इससे वीडियो हो जा रही है, बट मैं इसको यहाँ पर इतना रखूँगा। एंड वाइब्रेंसी को मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोग सोचो कलरफुल मेरी वीडियो हो सकती है, एकदम जो फीके फीके कलर हो रहे थे उससे पहले, अब यहाँ पर ये सिंपल सी कलरफुल हो गई है, एंड थोड़ा सा ज़्यादा येल्लो येल्लो हो गई, तो इसके लिए इसको घटाने के लिए हम इसको 4 माइनस कर देते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर से क्या होगा, थोड़े से ब्लू स्टोन आ जाएगी इसमें, एंड ये थोड़ा सा लगभग इक्वल हो जाएगा एडिटिंग। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे मेन चीज़, यहाँ से ऊपर इस पर क्लिक करके यहाँ पर YouTube 16:9 रेशो कर लेना, ताकि आप लोग की वीडियो YouTube में एक्सपोर्ट हो। अगर आप लोग शॉर्ट बना रहे हो तो शॉर्ट आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर YouTube वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो तो लॉन्ग वीडियो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर इस तरीके से तुम लोग ने कर लिया है, इस तरीके से तुम लोग ने यहाँ पर कलर ग्रेड कर लिया है, एंड आप देख सकते हो गाइज ये वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने G18 से एक बंदे को मारा था, इसके बाद तुम लोग को ये वीडियो एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब एक्सपोर्ट किस सेटिंग में करनी है, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब तुमको भाई, अगर तुमने वहाँ पर 1440p सेलेक्ट करी थी, तो आप लोग यहाँ पर
2.7K जो लिख रहा है गाइस यहाँ पर आप लोग उस पर क्लिक करना है। 1440p अगर आप लोगों ने वहाँ सेलेक्ट करी थी तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने वहाँ पर 1080p सेलेक्ट करी थी तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 1080p सेलेक्ट करना है। वहाँ पर रिकॉर्डिंग में 1080p, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड 1080p पे करी है तो एक्सपोर्ट भी 1080p पे करना है। मैं कहना इतना सा चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पर आता है मेन FPS, जैसे वहाँ पर FPS इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर भी FPS इंपॉर्टेंट है। FPS आपको 60 रखना है। अब इसके बाद बिट रेट आपने उनके लिए जितना वहाँ पर रखा था ना उतना ही रखना है। बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि भाई वहाँ पर रख देते हैं वो 5 Mbps का बिट रेट, अब भाई यहाँ पर रख देंगे 20 MB, 50 MB, 100 MB, 100 MB तक भी रख देते हैं भाई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी वीडियो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, ऊपर से भाई और ज़्यादा उसकी क्वालिटी घट जाएगी। तो भाई आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोगों को जितना बिट रेट वहाँ पर सेलेक्ट करा था इतना ही बिट रेट आप लोगों को रखना है। अब मैंने वहाँ पर 12 सेलेक्ट करा था, 12 MB, तो 12 रख देते हैं, इसको 60 कर देते हैं, इसके बाद डन कर देते हैं। सॉरी यहाँ पर 26 हो गया, 12 कर देते हैं, इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लेना, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा वरना मेरी वीडियो यहाँ से कट हो जाएगी और ये सेव भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है, आप तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आप लोग उसको यूज़ करते हो ना गारंटी देता हूँ भाई इतनी तगड़ी क्वालिटी हो जाएगी। आप लोग शॉर्ट अपलोड करो, कुछ भी अपलोड करो भाई, आप लोग बोलोगे कि भाई अड्डा भाई क्या बता दिया यार, ये इतनी तगड़ी सेटिंग भाई क्या बता दिया यार, वीडियो क्वालिटी होगी बवाल होगी भाई, मतलब देखने में अलग ही मजा आ रहा है भाई, ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई पूरी वीडियो देखो, अब मैं आपको लास्ट नंबर की सेटिंग बता दूं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको गाइज, अब जो आप लोगों को सेटिंग बता रहा हूँ ना भाई उसको जरूर देख लेना ध्यान से, क्योंकि भाई वो इतनी तगड़ी सेटिंग है यार, उससे आप लोगों की क्वालिटी 2x हो जाने वाली है एकदम, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को एक ऐप यूज़ करना है उस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए, जो कि है गाइज अपना कोरोलो ऐप। कोरोलो ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर इसका नाम सर्च कर लेना, KOLORO। जैसे आप लोग सर्च करोगे ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसका ब्लू कलर का पत्ता यहाँ पर बना हुआ आएगा इसके लोगों में, तो आप लोग ये वाला डाउनलोड कर लेना। इसके बाद उसको ओपन कर लेना, जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे इसके बाद गाइज तुम लोगों क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो को जो है इंपोर्ट कर लेना, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर अपने वीडियो लेकर आ जाना। देखो मैंने यहाँ पर 48 सेकंड की वाली वीडियो जो है यहाँ पर जो थी अपनी करी थी, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये वाली वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद तुमको करना है, देखो यहाँ पर आ चुकी है ये वाली वीडियो, वही वीडियो है ये, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर यहाँ पर ये गाना इसमें जो भी है वॉइस वो चल जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों का करना है सबसे मेन चीज़, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी कैसे बनानी, थोड़ी इसको मेन उस पर लेके आ जाते हैं। देखो गाइज इसको वॉइस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड देख सकते हो गाइज, अभी देखो गाइज नीचे कैसा ब्लर सा आ रहा है, कोई भी चीज़ एकदम क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रही। अब भाई यहाँ पर मैं तुमको दिखाऊँ, देखो ये चीज़ भी देखो कैसे ब्लर हो रही है, जैसे अलग अलग, मतलब मज़ा नहीं आ रहा एकदम भी। अब मैं जाता हूँ आप लोग को मैजिक दिखाता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर डिटेल्स वाले पे। अब कहाँ से आप लोग डिटेल ढूंढिए सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे नीचे, सबसे पहले ये फिल्टर वाला, सेकंड ये ओवरले वाला, फिर यहाँ पर ये एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इधर की स्वाइप करूँगे डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल्स में जाना है। अब यहाँ पर आप लोग को दो यहाँ पर ये मिलेंगे लाइंस की, एक फर्स्ट मिलेगी शार्पन वाली, सेकंड मिलेगी यहाँ पर क्लियरिटी वाली, शार्पन वाली में जाना है। इसको जैसी बढ़ाओगे मैजिक देखना, अबे भाई ये तो कट ही गई। प्रोजेक्ट में जाते वापस उसको ओपन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट में चले जाते हैं। एक सेकंड गाइस मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, भाई हो जाती यार छोटी मोटी मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वापस से वहीं पे आ जाता हूँ, आने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको बढ़ाता हूँ। अब देखो गाइस मैजिक, अब मैं जैसे इसको बढ़ाया ना गाइस आप लोग फ़र्क देखो भाई, फ़र्क देखो गाइस कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। देखो पहले कितना ज़्यादा ब्लर सी हो रही थी वीडियो, अब देखना। अब मैं क्वालिटी को भी क्लियरिटी को भी बढ़ाता हूँ, अब मैं क्लियरिटी जैसी बढ़ाता हूँ ना, अब देखो गाइस मैजिक देख रहे हो गाइस। अब देखो भाई तुम लिटरली भाई देखो भाई कितना ज़्यादा एकदम क्लियरिटी आ गई भाई वीडियो में, 2x हो गई वीडियो क्वालिटी। अब इसको तुम ज़्यादा मत बढ़ाना, हिसाब से बढ़ाना। अब मैंने भाई तुमको बता दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम लोग बढ़ाओ जाओगे, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से बढ़ाना। अब देखो ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी पिक्सल्स में जो है वो फटने लगेंगे, देखो इतना भी नहीं बढ़ाना, हिसाब से बढ़ाना। मैं देखो इसको बढ़ा दूंगा 40, शार्पन को बढ़ा दूंगा मैं इतना। अब इतना ही आप लोगों को बढ़ाना है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जितना अच्छा लगता है वो उतना बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले बिफोर एंड आफ्टर में दिखाता हूँ ब्लर। भाई अंतर देखो ना भाई, जमीन भाई ये नाम देखो कैसे हाइड हो रहा है, तुम यहाँ देखो भाई, देखो ब्लर हो रहा है। अब इसके बाद देखो बिल्कुल क्लियरिटी भाई, एकदम क्लियरिटी, ये देखो भाई कितनी क्लियरिटी है गाइस, तुम लोग देखो। अभी तो मैंने ये 50% ही बढ़ाया है, अगर इसको फुल कर दो ना भाई, देखो फुल करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फुल कर दिया मैंने, अब देखना ब्लर भाई, तुम देखो ना जमीन आसमान का अंतर भाई, तुम खुद देखो भाई कितनी तगड़ी क्लियरिटी आ गई है भाई, तुम खुद देखो भाई पहले कैसी थी, ब्लर हो रही थी, अब देखो भाई एकदम क्लियरिटी भाई वीडियो में। अब इधर देखो भाई ये चीज, हर चीज़ आप लोगों को क्लियरिटी के साथ भाई जमीन आसमान का अंतर आ गया गाइज। बस यही था आज की इस वीडियो में, आई हो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।